नमस्ते फ्रेंड्स, मोनो फिटनेस में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी ये एक्सरसाइजेज रहेंगी, इसमें हम अपने आर्म को स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेंगे, प्लस हमारा जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट है, मीन्स थाइस का, लेग्स का एंड आर्म पीट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो वर्न होगा, प्लस हमारा बेली फैट भी वर्न होगा। अगर आप ये वाला एक एक्सरसाइज भी आप 100 टाइम करते हैं तो आपको पहले ही दिन में आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा, और अगर 7 दिन कंटिन्यू करेंगे तो 7 दिन में जो आपका जो एक्स्ट्रा जो फैट होगा बड़ा हुआ वो काफ़ी हद तक, मीन्स 3 से 4 इंच तक कम हो जाएगा। और 21 दिन का अगर चैलेंज लेके चलते हैं तो आपका जो हैबिट है वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी, और फिर आप रेगुलर जो है आपका प्रैक्टिस, मीन्स आपको खुद जो है करने का मन करेगा। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, हम पहले हाफ नी पुशअप्स करेंगे, जिससे क्या है कि हमारा बॉडी जो है अच्छे से वार्म अप हो जाए। तो आपने ऐसे लेग्स को ऐसे रखना है, ऐसे बैठना है आपने, और फिर लेग्स को ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहना है, हैंड्स को इक्वल डिस्टेंस में अपार्ट करें, वाइड करें मीन्स, एंड अपनी पोजिशन को स्टेबल करें, एंड धीरे से ऐसे आपने डाउन करना है ऐसे करते हुए, ठीक है। लेग्स को आपने फ्लोर पर टच नहीं करना है, बैलेंस को स्टेबिलिटी बना के रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज ऐसे क्या होगा कि एक तो हमारा आर्म का स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, प्लस हमारा आर्म फिट का जो एक्स्ट्रा फैट वो बर्न होगा, हमारा अपर बॉडी का जो वर्कआउट हो रहा है इससे क्या होगा कि हमारा स्टैमिना भी इंक्रीज होगा, प्लस हमारा मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो आपने इस एक्सरसाइज के क्या करना है, 20-20 के जो 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। अभी जैसे मेरा पहले एक्सरसाइज हाफ नीज में था, अभी मैं अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाऊंगी ऐसे अधोमुखा श्वासन में आते हुए। फिर क्या करेंगे, ऐसे आते हुए आगे लेके आएंगे दंडासन आसन एंड भुजंगासन, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 आसन को एक बार में कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जहां जहां का जो बड़ा हुआ एक्स्ट्रा फैट होगा तो वर्न होगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगा। अपनी बॉडी को ऐसे रखना है, आगे लेके आना है एंड ऐसे लेके आना है, फिर वापिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. होल्ड, और पूर्वतासन में होल्ड करें, इससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। हम अधोमुख से करते हुए भुजंगासन कर रहे थे, दंडासन आसन कर रहे थे, उससे क्या है कि एक तो हमारा कोर मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, स्टैमिना इंप्रूव होगा, एंड जहां जहां का जो बड़ा हुआ एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होगा।
रिलीज। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, तो आपने क्या करना है, 20-20 की जो 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड उसको कंप्लीट करना है। अभी जो रहेगा मेरा स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस मैं करूंगी। आपने अपने हैंड्स को ऐसे रेज करना है, ठीक है, एंड लेग्स अक्रॉस करते हुए क्लैप करेंगे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बस साउंड आना चाहिए, ठीक है, जब आप क्लैप करें। क्लैप करने से हमारी बॉडी में काफी वाइब्रेशन हो जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हमारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से वर्क करता है। जैसे अगर स्ट्रेस है या अगर नींद नहीं आ रही है, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काफी अच्छा मीन्स आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हैंड्स को रेज करते हुए लेग्स को अप करना है एंड नीचे से क्लैप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Hold, release. तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा बड़ा हो जाए एक्स्ट्रा फैट, वो बर्न होगा, थाइज एंड लेग्स का एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा एंड हमारा स्टैमिना इंक्रीज होगा। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के भी आपने 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड उसको कंप्लीट करना है। लास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज, आपने सीधा खड़ा होना है ऐसे, ठीक है, अपने शोल्डर को ऐसे रोटेट करें। अभी हम ट्विस्ट करेंगे, हमारे पैरों का जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करना है एंड बैक ट्विस्ट पहले धीरे धीरे करें। जब अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, तब हम ज़्यादा उसको फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fast. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Shoulder plates आपस में जुड़ने चाहिए, आपको वैसा फील होगा। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच करें, लेग्स को स्ट्रेच करें एंड थोड़ा सा रोटेट करते हुए सामने की तरफ देखें, आपको काफी अच्छा फील होगा। स्ट्रेच को फील करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, वापिस सेम रिपीटेशन दूसरी साइड भी करना है। ट्विस्ट सामने की तरफ, अच्छा फील करें, रिलैक्स फील करें, स्ट्रेच को फील करें, पॉजिटिव सोचें। वापिस, तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने क्या करना है, 20-20 के 5 सेट्स करने हैं। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को एक भी अगर एक्सरसाइज आप ले लेते हैं उसको क्या करना है, मैं तो 20-20 ही बता रही हूँ। आप एक एक्सरसाइज को जो है आप 100-100 टाइम करें और दिन में आप 3 बार प्रैक्टिस करें। और कम से कम आप जब आप सुबह का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पेट जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए जब आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड दोपहर का जब कर रहे हैं तो खाना खाने से पहले करें, जिससे क्या है कि आपका थोड़ा गैप हो जाए 3 से 4 घंटे का। एंड जब इवनिंग में करें तो इवनिंग में भी आप डिनर करने से पहले एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें, फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड आपका फूड रहना चाहिए। आप दिन में 1 से 2 घंटा जरूर वॉक करें, खाना खाने के तुरंत आप बैठे ना, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी है वो ज़्यादा गेन हो जाता है, मीन्स मोटापा गेन हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी आसन में बैठे, वज्रासन आसन की स्थिति है, फिर थोड़ा बहुत चले, अगर बाहर नहीं चल सकते तो रूम में भी आप चल सकते हैं। और हेल्दी डाइट लेना है, मीन्स फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड ही आपका फूड होना चाहिए। एंड स्पाइसी फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें, एक्स्ट्रा स्वीट्स, एक्स्ट्रा सॉल्ट को जितना कम कर सकते उतना कम करें। टी एंड कोफाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं कम से कम थोड़ा दूरी बना के रखें, ठीक है। मन तो बहुत कुछ करता है बट मन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एंड प्लस आप हरी पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड करें, दलिया, स्प्राउट्स एंड आप जो भी आपको अच्छा लगता है साबूदाना वगैरह को इंक्लूड करें अपने खाने में। उसमें बहुत ज़्यादा मीन्स हेल्दी डाइट रहता है, इससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगा। प्लस आप 3 से 4 लीटर आप पानी पिए, खुश रहें, मोटिवेट रहने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें
प्लस एक्सरसाइजेस को करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और जैसे क्या होगा कि मैं जब भी आप इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं जब भी लाइव आती हूँ, मेरे योगा के फ्री लाइव सेशंस रहते हैं वो हर कोई देख सकता है, तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा या सब्सक्राइब किया होगा तो वो भी आप मिस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें। अगर फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।